हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर डिज़ायर्स। फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू दे रही हूँ जुलाई मंथ का। तो अभी हमारे यहाँ मॉनसून नहीं आया है तो प्लांट्स की कंडीशन थोड़ी डल है। ये देखिए, मेरे रोज़ का प्लांट है, इसके लीव्स जो हैं वो शेड कर गए हैं और काफ़ी डल लग रहा है ये। बट जैसे ही मॉनसून आएगा ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। और डाइफन बेकिया अच्छा एग्जिस्ट कर रहा है अच्छे से। और ये साथ ही मिर्च का प्लांट भी लगा हुआ है। ये फ्रेंड्स हल्दी का प्लांट है, ये मैंने पिछले सीज़न की ग्रो की हुई थी और कुछ इसमें रूट्स रहने दी थी तो वो दोबारा ग्रो कर गई हैं। नेक्स्ट पॉट में फ्रेंड्स करेले की बेल लगी हुई है। ऑल्दो इसमें जो करेला है वो काफ़ी छोटा आ रहा है बट अभी चल रहा है। देन विंका, इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये बड़ी मिर्च का प्लांट है, ये भी मैंने रखा हुआ है। और ये मेरे रजनीगंधा के बल्ब्स लगे हुए हैं इस पॉट में। और ये मदर ऑफ थाउजेंड्स है, इसमें काफ़ी प्लांट्स लगे हुए थे जो नए पप्स आ गए थे वो मैंने अलग ग्रो कर दिए हैं। ये कोलियस का प्लांट है, गर्मी में बहुत जल्दी मुरझा जाता है, बड़ी जल्दी इसका पानी ख़त्म होता है तो इसे फ्रीक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर से इसके लीव्स जो हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। नेक्स्ट ये मेरा अजवाइन का प्लांट है, ये सर्दियों में एकदम डोरमेंट हो गया था, अब देखिए कितना हरा भरा हो गया है। और फ्रेंड्स ये कुछ जेड के मैंने बॉन्जाई तैयार करने के लिए इसमें लगा रखे हैं, बॉन्जाई पॉट्स में, तो ये भी ग्रो करेंगे अभी। और ये मेरा एरिसिन का रेड लीव्स वाला प्लांट है और साथ में डेविल्स बैकबोन है। और क्रोटोन की कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी, वो प्लांट अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। देन ये स्पाइडर प्लांट है और ये ऑर्नामेंटल प्लांट जूनिपर और एलोवेरा और तुलसी लगी हुई है। फ्रेंड्स ये थोड़े शेड में हैं तो अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये कनेर ओलियंडर का प्लांट, ये भी शेड में है, सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट आती है। और ये हिबिस्कस देखिए कितना अच्छा हेल्दी लीव्स इसके ग्रो कर रहे हैं। और बोगनविलिया में भी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। तो ये कुछ प्लांट्स मैंने शेड में रखे हुए हैं, ये ओपन में हैंगिंग है, एस्वेरिगस फर्न और पर्पल हार्ट एंड वॉन्डरिंग ज्यू है इसमें। और ये स्पाइडर प्लांट मेरा थोड़ा सा डल हो गया है, इसको रीपॉट करना होगा दोबारा से इसकी मिट्टी निकाल के अच्छे से। और ये टर्टल वाइन इसमें मैंने लगा रखी है और स्पाइडर प्लांट भी लगा हुआ है एक, तो इसका स्पाइडर प्लांट मैं हटा दूंगी और सिर्फ इसमें टर्टल वाइन लगी रहने दूंगी जो पॉट को पूरा कवर कर लेती है। ये बेबी टीयर्स का हैंगिंग बास्केट मैंने आप इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। देन ये मेरे कृष्णा तुलसी है और ये फ्लावर्स हैं गॉम्फरीना के, देखिए। और ये स्पाइडर प्लांट्स मैंने मिट्टी के पॉट में लगा रखे हैं, मुझे एक्चुअली ये बहुत पसंद हैं तो अगर हैंगिंग वाले ख़राब हो जाएं तो मैं यहाँ से इनके और पप्स लगा सकती हूँ। और ये मेरा रियो प्लांट है जो ट्राई कलर का है, ये भी मेरा फेवरेट है। और ये कुछ कॉस्मोस के प्लांट्स और ये राउंड चिली है, ड्रेसिना है। फ्रेंड्स ड्रेसिना के लीव्स देखिए बर्न हो रहे हैं क्योंकि धूप में पड़ा है ये। और ये चाइनीज़ ऑरेंज मैंड्रिन होती है जो, वो लगी हुई है। ये फ्रेंड्स 12 महीने लगी रहती है तो हर तरह से इसका बड़ा अच्छा ग्रोथ होती है। और ये क्रिसैंथेमम मैंने डिफरेंट कलर्स के एक ही पॉट में सभी की कटिंग्स लगा दी थी, तो अब बारिश के सीज़न में जब बारिश आएगी उसके बाद मैं इसकी कटिंग्स लगा दूंगी। और ये मेरा पेंसिल कैक्टस है, कुछ वीड्स उगे हुए हैं साथ में, वो मुझे अभी मॉनसून में ही रिमूव करूंगी, अभी तो बहुत गर्मी है। और ये मेरा कैक्टस का छोटे से मटके में लगा हुआ है, देखिए। ये एक और कैक्टस है और ये अजवाइन का प्लांट, देन अगेन स्पाइडर प्लांट, बेबी टीयर्स और ये कंटेनर गार्डनिंग की हुई है मैंने कई सारे प्लांट्स एक ही पॉट में।
और ये सेंसेवेरिया की ड्वार्फ वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छी है और बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए इसे, और आप इसे बाउंड्री की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैलेनकोई कोई फ्रेंड्स मेरे सारे जो हैं वो रॉट कर गए हैं, बस स्टेम बची है उसकी। तो फ्रेंड्स ये है मेरा गार्डन जुलाई मंथ में। ये मेरा जेड का प्लांट लगा हुआ है हैंगिंग, बहुत ही कम केयर करनी पड़ती है। कम क्या, मैं तो बिल्कुल केयर नहीं कर रही हूँ इस प्लांट की। तो अभी फ्रेंड्स मैं इनकी कटाई छटाई भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, तो जितना पॉट में कवर है, कवर किया हुआ उतना बढ़िया है। और मैंने दूसरी बालकनी से अपने पॉट्स जो हैं वो निकाल के एक कट्ठे एक ही साइड को कर दिए हैं। ये हवर्थिया है, इसमें भी एक टर्टल वाइन ग्रो कर रही है, अभी मैं इनको नहीं छेड़ रही हूँ। और ये पुदीने का प्लांट है, ये देखिए ऊपर से पूरा अंदर से जला हुआ है और सिर्फ कुछ स्टेम्स बची हैं, इसको भी अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और ये मेरा सकलेंट्स हैं कुछ, और ये मेरा एक और सकलेंट का पॉट है डिश गार्डन, इसको भी मैं अभी नहीं छेड़ रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है तो ये बहुत जल्दी रॉट कर जाता है। ये मेरा पर्सलेन का प्लांट है, इस बार मैं कुछ बिज़ी थी तो मैंने इनकी कटिंग्स डिफरेंट पॉट्स में नहीं लगाई, नहीं तो मैं इनको अपने एग्जिस्टिंग पॉट्स में भी इनकी सॉइल में, टॉप सॉइल में लगा देती हूँ। मॉस रोज़ और पर्सलेन तो वो मल्चिंग का काम भी करते हैं और फ्लावरिंग भी पूरी देते हैं, तो पूरा गार्डन जो है वो फ्लावर से भर जाता है। पर्सलेन की ऑलमोस्ट मेरे पास सभी कलर्स हैं और मॉस रोज़ के भी सभी कलर्स हैं, एक रेड कलर नहीं है सिर्फ। तो बट इस बार मैंने इनको काफ़ी कटिंग्स इनकी नहीं लगाई हैं, एक ही पॉट में रहने दिया है। ये फ्रेंड्स मेरी जो डिश गार्डन है सकलेंट्स का बनाया था मैंने, विंटर में तो बहुत अच्छा चल रहा था, बट अभी जो है ये टाइम इनके लिए सिर्फ एग्जिस्ट करने का है, इसमें ये ग्रो नहीं करते हैं, तो इसको मैंने शेड में रखा हुआ है। और काफ़ी हैवी ट्रे है, नहीं तो मैं इसको इंडोर रख लेती। तो देखती हूँ इसमें से कौन कौन सा प्लांट बचता है, एओनियम्स, सीडम्स, एचिवेरिया, सब तरह के सकलेंट्स हैं इसमें, तो बारिश में थोड़ा ये रॉट कर जाता है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था मेरा जुलाई मंथ का ओवरव्यू, मिलते हैं नई वीडियो में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल नेचर डिज़ायर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।